नमस्कार, मैं हूँ दीपिका नयाल और आज हम बात करेंगे बिहार की मधुबनी लोकसभा सीट के बारे में, जहाँ से इस वक्त चौधरी हुकुमदेव नारायण यादव सांसद हैं, जिन्होंने ये सीट साल 2014 के चुनाव में आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी को हराकर हासिल की थी। बिहार समेत देश की सियासत में अहम रोल निभाने वाली मधुबनी लोकसभा सीट में हरलाखी, बेनीपट्टी, बिस्फी, मधुबनी विधानसभा क्षेत्र और दरभंगा जिले की केवटी और जाले शामिल हैं। मधुबनी चित्रकला के लिए विश्व प्रसिद्ध ये शहर मिथिलांचल का अभिन्न अंग है। मधुबनी पेंटिंग के अलावा ये जिला मखाना, आम, लीची, धान, ईख उत्पादन के लिए भी मशहूर है। इस जिले का गठन 1972 में दरभंगा जिले के विभाजन के उपरांत हुआ था। मधुबनी किसान आंदोलन का भी केंद्र रहा है। मधुबनी मुख्य भाषा मैथिली है, जो सुनने में मधुर और सरस है। कहा जाता है प्राचीन काल में यहाँ के वनों में मधु यानी शहद अधिक पाए जाते थे, इसलिए इस जगह का नाम मधुवनी से मधुबनी हो गया। साल 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 44,87,379 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 23,29,313 है और महिलाओं की संख्या 21,58,066 है। मधुबनी लोकसभा सीट से 1957 में कांग्रेस के श्याम नारायण मिश्र जीते थे। 1962 में भी यहां कांग्रेस ही जीती थी। 1967 और 1971 दोनों ही चुनाव में यहां पर सीपीआई का कब्जा रहा, जबकि 1977 में यहां से जनता पार्टी ने जीत हासिल की। 1980 में यहां कांग्रेस के सफीकुल्ला अंसारी सांसद बने, हालांकि उनके निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ जिसे सीपीआई ने जीत लिया। 1989, 1991, 1996 में यहाँ सीपीआई का ही राज रहा, लेकिन 1998 के चुनाव में कांग्रेस नेता शकील अहमद ने उसके विजय रथ पर ब्रेक लगा दिया। साल 1999 में इस सीट पर भाजपा ने जीत के साथ खाता खोला और चौधरी हुकुमदेव नारायण यहाँ से सांसद चुने गए। हालांकि साल 2004 के चुनाव में उन्हें कांग्रेस के हाथों करारी शिकस्त मिली, लेकिन साल 2009 में उन्होंने अपनी हार का बदला ले लिया और दोबारा यहाँ से सांसद बने। उनकी जीत का क्रम 2014 में भी जारी रहा। बिहार की सियासत में बड़ा स्थान रखने वाले सांसद हुकुमदेव नारायण यादव को साल 2014 के लिए बेस्ट सांसद के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। किसानों के रहनुमा और जमीनी नेता कहे जाने वाले हुकुमदेव नारायण यादव की 5 सालों के दौरान लोकसभा में उपस्थिति 97% रही है। उस दौरान उन्होंने 37 डिबेट में हिस्सा लिया है और 31 सवाल पूछे हैं। साल 2014 के चुनाव में इस सीट पर आरजेडी नंबर 2, जेडीयू नंबर 3 पर रही थी। उस साल 16,27,969 मतदातागण लिस्ट में थे, जिसमें से 8,60,453 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया था, जिसमें पुरुषों की संख्या 4,13,878 थी और महिलाओं की संख्या 4,46,575 थी। मधुबनी में 81% आबादी हिंदुओं की और 18% जनसंख्या मुस्लिमों की है। वैसे तो हुकुमदेव नारायण की इमेज स्वच्छ छवि वाले नेता की रही है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि साल 2014 में उनकी जीत में मोदी लहर का बड़ा हाथ था। आज राज्य में सियासी समीकरण बदले हुए हैं और एनडीए के साथ जेडीयू खड़ा है, तो उसके कुछ सहयोगी उसके साथ छोड़कर जा चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या एक बार फिर इस सीट पर भाजपा की वापसी होगी? फिलहाल इसका उत्तर पाने के लिए हमें चुनावी परिणामों तक इंतजार करना होगा।